हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआर सॉल्यूशन। एनआर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा और वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं एनआर सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी मोबाइल को जब रूट करते हैं EFTSU ऐप पे, तो इसमें कुछ एप्लीकेशन है, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम इंस्टॉल करने के बाद उनकी परमिशन नहीं होती है हमें, वो हमारी इस रूट डिवाइस में नहीं चलते हैं। उसको हम किस तरह से जो हम उसको फिक्स करेंगे, ये देख सकते हैं। ये जेस ऐप की मेरे पास एप्लीकेशन है, ऐप नॉट कंपेटिबल का एरर आ रहा है। इस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है EFTSU के मैनेजर की, वो आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप रूट मोबाइल इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जब ओपन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक सेटिंग होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या सेटिंग करनी है। ये देख सकते हैं, हमने EFTSU को ऑन कर दिया है और यहाँ पे तीन लाइन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड रूट्स का ऑप्शन होगा साइड पे, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको हाइड रूट पर जाना होगा। हाइड रूट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल करना होगा, जो एप्लीकेशन आपके पास नहीं चल रही है उसका रूट जो है हमें विजिबल करना होगा, उसका रूट जो है हिडन करना होगा। यहाँ पे इसकी साइड में आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जो रूट है वो विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को जाके ऑन करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन वर्केबल हो जाएगी। दोस्तों ये हम जेज कैश की एप्लीकेशन है, इसको हम ऑन करते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल एनआर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।